बस एक्सीडेंट में पनियार टोल प्लाजा के पास हमारे सिपाही, क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह ने शानदार फर्ज निभाया है और घायलों को तत्काल पीठ में लाद कर निकाल कर यहाँ पर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाया है। ऐसे सिपाही की, जवान की प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। अभी कितने लोग थे इसमें बस में? इसमें सर बस पूरी फुल थी और लगभग 8 से 10 लोग घायल हुए थे और वो तुरंत यहाँ से बस में से निकाल कर तुरंत एम्बुलेंस में रवाना कर दिए थे अस्पताल के लिए। जो शुरुआत में आपने तस्वीरें देखी वो तस्वीरें आई हैं ग्वालियर से, जहां पर एक बार फिर मध्य प्रदेश पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल ग्वालियर में एक बस का एक्सीडेंट हो गया। जी हाँ, बस जो है वो हादसे का शिकार हो गई। इस बस में लगभग 30 लोग सवार थे। जब हाहाकार मच गया तब डायल 100 को फोन किया गया। तत्परता से पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और जो बस घाटी में गिर गई थी वहां से घायलों को निकालना शुरू किया। हालत ये थी कि घाटी गहरी थी इस वजह से और पथरीली थी, इस वजह से एम्बुलेंस बस तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। मध्य प्रदेश पुलिस के जाबाज सिपाहियों ने तमाम जो घायल थे उनको अपने कंधों पर बिठाया और वहां से उनको एम्बुलेंस तक ले गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि तत्परता पुलिस ने दिखाई, जिसका नतीजा ये रहा कि इस पूरे हादसे में लोग घायल तो हुए लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई। बता दें कि इस हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आज सुबह 7 बजे SKT ट्रेवल्स इंदौर से मुरैना की ओर जा रही थी, तभी सिमरिया की घाटी में पनियार टोल प्लाजा के पहले अनियंत्रित होकर लगभग 15 से 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। जैसे ही 100 नंबर पर सूचना मिली तो 100 नंबर पर तैनात आरक्षक राजवीर सिंह लोधी ने बड़े ही साहस का परिचय देते हुए सभी घायलों को अपनी पीठ पर लाद कर ऊपर रोड तक लाए और एम्बुलेंस में JH हॉस्पिटल पहुँचाया। थाना प्रभारी पनियार भी मौके पर पहुंच गए थे और लगभग 8 से 10 लोग घायल हुए हैं और उसमें 30 सवारी थी। ये ड्राइवर की लापरवाही हो सकती है, जो कि सवारियों का कहना है कि गाड़ी न्यूट्रल कर ली थी ड्राइवर ने और वो ढलानी एरिया है, तो कई बार ऐसा ड्राइवरों के मुंह से सुनने में आया कि वो डीजल बचाने के चक्कर में ऐसा गाड़ी को जैसी न्यूट्रल कर लेते तो वो अनियंत्रित हो जाती है। इसके पहले भी 1-2 ट्रक पलटे हैं, तो हम वहाँ पर कुछ ना कुछ जागरूकता के लिए बैनर या बोर्ड, साइन बोर्ड लगवाएंगे ताकि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। आपको बता दें कि इस घटना में 8 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला घाटी गांव का है। वहीं ये भी बता दें कि पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तत्काल डायल 100 मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। पुलिस के जवान ने कई सवारियों को कंधे पर रखकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया और उसके बाद फिर वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल इस हादसे में लापरवाही ड्राइवर की बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ या फिर ये बस जो है वो हादसे का शिकार हुई। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आई है उसको देखकर सभी पुलिस के सिपाहियों को सल्यूट कर रहे हैं, जाबाज सिपाहियों की तारीफ कर रहे हैं, उनका जो मानवीय चेहरा है उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। खबर ग्वालियर से भेजी है सहयोगी सर्वेश पुरोहित ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रही है एमपी तक के साथ।